चैलेंज 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 बहुत दिनों से कमेंट सेक्शन में यही चल रहा है। शुभ भैया, तुम्हारे ओल्ड चैलेंज वीडियोस कहाँ है? आप लोग ही मुझे कमेंट सेक्शन में कोई नया और तगड़ा चैलेंज नहीं दे रही यार, तो मैं कैसे करता? इसलिए आज मैं खुद अपने आप को चैलेंज करने वाला हूँ। और चैलेंज ये है कि इस वीडियो में मैं लगातार गेम खेलूंगा और जितनी बार मैं गेम जीतूंगा उतने रिडीम कोड आपको कमेंट सेक्शन में दूंगा, यानी मेरी जीत आपकी जीत। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, मैं फ्री फायर नहीं खेलने वाला हूँ इस वीडियो में, मैं खेलने वाला हूँ ये मारियो गेम। ये एक सिंपल सा गेम है और मेरे लिए क्या मतलब क्या चीज है ये गेम, बस आप काउंट करते जाओ मैं कितने लेवल इसमें पार करता हूँ और उतने आपको रिडीम कोड तो ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में मिली जाएगी। तो चलो ये पहला लेवल हम पार कर लेते हैं। कितना सिंपल है, ये क्या लिखा हुआ है, यूज द एरो की टू मूव मारियो अराउंड। ओके ओके पता है भाई। और जंप हग दिया, नहीं पता था यार, पहली बार खेल रहा हूँ ना इसलिए वो बटन नहीं पता था। अबे इसमें जमीन कैसे खिसकी यार? भाई ये तो चीटिंग हो रहा है, मुझे डायरेक्टली जंप करना पड़ेगा क्या? ओके ठीक है, इस साइड आ गया, अच्छा हुआ है जमीन। क्या बोलूँ यार इनको, ये तो जमीन खिसका रहे डायरेक्टली। अभी मैं यहाँ पर अभी तो नहीं खिसक रही, क्या हो रहा है ये? अबे ये भी इस गेम में कुछ भी चल रहा है भाई, मतलब जो सोच रहे है वो है नहीं। अच्छा हुआ ये नहीं गिरी। अब नेक्स्ट, अबे इस पट्टी पर काटे कहाँ से आए कोई बताएगा मुझे? और भाई पूरा स्टार्टिंग से स्पॉन कराया है, अभी तो ये पता है मुझे ये गिरेगा, लेकिन पता हो के भी क्या कर पाया। ओके फिर से रिस्टार्ट यहाँ पर। ओके ये इसको कैसे डॉच करूँ, पिछली बार कैसे किया था? अगर यहाँ से मैं डायरेक्ट जंप करूँ, अरे बच गया। मुझे कुछ नहीं बोलना यार इस पर, अब बहुत बेइज्जती हो गई यार, अब मुझे फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ खेलना है। ये तो मुझे पता है यहाँ पर ये मतलब गिरता है, अभी नहीं गिरा, कैसे नहीं गिरा मुझे पता नहीं, इस गेम का क्या सीन है। ये नोकीली चीज़ निकलता है ना। अबे भाई साहब आगे तो चेक पॉइंट है, वो मुझे लेना है कैसे भी करके, क्योंकि मैं परेशान हो गया सेम लेवल खेल के। ओके फाइनली चेक पॉइंट मिल गया भाई, अब आगे ये क्या कौन सा गिरेगा, पहला गिरेगा क्या? ओके नहीं गिरा भाई, बच गए, लेकिन मुझे फीलिंग आ रही है आगे वाला गिरेगा नीचे। लेकिन अपन जाएंगे डायरेक्टली, उसका झंझट ही नहीं। और ये बॉक्स है, ओके इस पर मुझे जंप कर सकता। अबे चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। इस बक्से को मैं सादा सुदा मासूम बक्सा समझता था, साले ने पीछे खंजर खोप दी। अब हाँ ये कर लो, पहले कहीं से भी जमीन खिसका देते हैं भाई यहाँ पर, मतलब मैं ज्यादा पास भी नहीं जा सकता यहाँ पर, डायरेक्टली मैं जाना पसंद करूंगा। ओके ये बक्सा मतलब अपना दांत निकलता है साला, डायरेक्टली पहुंच गया भाई जमीन के उस साइड, अपनी मंजिल थी, लेवल पार हो जाता और पांच जगह मरा हूँ। लेकिन कोई ना, अब तो पता चल गया है वहां पर वो दांत निकलता है, जमीन से भी दांत निकलते, कहीं भी कुछ भी हो रहा है। टेंशन मत लो गाइस, इस बार तो मैं पार करके रहूंगा। जंप और सीधा दूर जंप करना पड़ेगा। और अरे भाई दांत दिखाता है क्या मेरे को है? हाँ? क्या हो रहा है ये है? 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 ओ चलो फाइनली ये पार होने जा रहा है सब कुछ। ओके पहुंच गया भाई, मतलब क्या सुकून मिला ये लेवल पार करके। फर्स्ट लेवल अभी हमारा पार हुआ है और उसके लिए हमारा डेट्स कितना हुआ है अभी ऐसे नहीं दिखाता, शायद मरना पड़ेगा। लेकिन कोई ना, सेकंड लेवल है ये, इसमें भी कुछ ना कुछ वैसी चीजें होंगे, मरना तो है ही। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय विंजो गेम्स, क्योंकि विंजो इंडिया का नंबर वन गेमिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको 100 से भी ज्यादा सिंपल गेम खेलने को मिल जाते हैं, जैसे लूडो, कॉल ब्रेक, शिप बैटल और भी बहुत सारे मजेदार गेम्स। और विंजो की खास बात ये है कि ये सिंपल गेम खेलकर आप इस एप्लीकेशन से डेली लाखों रुपए जीत सकते हो। और अगर आप फ्री फायर प्लेयर है तो यहाँ पर आप उसी पैसे से डायरेक्टली फ्री फायर के डायमंड्स भी खरीद सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैं खरीद रहा हूँ। और इस विंजो एप्लीकेशन पर आप लोग ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि इसके ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी है। तो देर किस बात की, इस एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। और अभी आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो तो आपको 550 रुपए का बोनस डायरेक्टली इंस्टेंटली आपके वॉलेट में मिल जाएगा। चलो आगे, वॉच आउट मतलब क्या है? अबे पीछे कौन काटे लगाता है भाई? वैसे हमारा 29 डेट हुआ है एक लेवल के लिए, 29 कुछ ज्यादा ही डेट हो गया यार। ये लेवल में फटाक से पट लगता है, ये गेम खेलते हुए कुछ बोलना ही बेकार है। देखो
क्या हो रहा है, मतलब मैं यहाँ से ही निकल नहीं पा रहा। यहाँ पर काटा है क्या? और यहाँ डोंट फॉल इन, मतलब इसका, हाँ समझ गया, मरने के बाद समझा, लेकिन समझा। वहाँ पर सालों ने मतलब इनविजिबल दीवार लगाई है, यहाँ पर जंप और डायरेक्टली आ। क्या भाई, मतलब उसमें भी काटे लगाए हैं। अब मैं थोड़ा सा, मुझे पता चल गया इस गेम का, यहाँ तक तो मुझे पता है यहाँ पर जंप करना है। इसके ऊपर से तो नहीं जाऊँगा, कांटे छोड़ता है साला, नीचे से भी जाने में डर लग रहा है भाई, कुछ हो ना जाए। अब यहाँ पर मेरा डिसीजन क्या लूँ, मतलब ऊपर से जाऊँ या नीचे से? नीचे से जाना करेक्ट होता यार, लेकिन मैंने सोचा पहले ऊपर दिया है तो फिर नीचे दिया होगा, लेकिन उन्होंने मतलब सारा लॉजिक खत्म कर देते ही है। चलो इस बार सभी चीज़ें मुझे पता है, यहाँ पर डब्बे पर जाना है, नेक्स्ट टाइम नीचे से जाना है, ऊपर मत जा भाई। ओके ओके ठीक है, फिर से नीचे से। अब यहाँ पर क्या करूँ मैं, मतलब ये सामने कौन है, ये टिन टप पर कौन है साला? ओके, और यहाँ पर काटे ना हो। ओके ओके, ये कौन है आदमी? आ भाई, उतने पास जाकर मैं मर गया, लेकिन इस बार मैं कोई मिस्टेक करूँगा, एक बार ऐसा बोलना चाहता था। ठीक है, फिर से यहाँ पर आ गया 10 बार मरने के बाद, और यहाँ पर ये काटे होते मुझे सीढ़ी की तरह चलना पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्टली जंप करूँ तो चलेगा क्या? ओके, बस एक जंप चाहिए, यहाँ पर कोई गलती ना हो। पहुँच गया, अब तो कोई टेंशन नहीं है, चेक पॉइंट मिल गया। भाई साहब ये क्या गेम है, मतलब यहाँ पर कोई, हाँ चलो पूरा का पूरा ये पुल ही गिरा दो, मतलब कुछ भी मैं जगह, भाई इसके बारे में बोलना ही बेकार है, जितना ज़्यादा बोलते उतना ज़्यादा ये मरता है। अभी इस बार कोई गलती ना हो। ओके, यहाँ पर पहुंच गया हूँ, फिर भी मुझे डर लग रहा है, यहाँ पर नीचे गिरूंगा और नीचे से ये जमीन। ओके, अब काटे ना निकले, बहुत हरामी है यार ये गेम बनाने वाले। चलो फिर से यहाँ पर आ गया हूँ, यहाँ पर ये जमीन गिरती है। अब भाई मतलब इसमें से मुझे चूज करना पड़ेगा क्या, ये धीस वन बोल रहा है, मतलब ये होगा या नहीं? भाई मुझे अभी डर लग रहा है, फिर से पीछे से आना पड़ेगा यहाँ पर अगर गिरता हो तो। इनका धिस वन ट्राई करके देखे क्या? चलो ऑप्शन भी नहीं है, डायरेक्टली जंप करेंगे तो बच सकते वैसे। अरे भाई काम कर गया, इस बार इन्होंने वैसे सच बोला था, लेकिन मैं एक छोड़ के कूदूंगा यहाँ पर, क्योंकि मुझे दूसरे वाले पर थोड़ा सा डाउट आ रहा है। ओ बस ऐसे ही मेरा लॉजिक काम करता रहे, ये धिस वन भी वर्क करा और ये लेवल कंप्लीट, 2 लेवल हो गया भाई। भाई सेकंड लेवल ही कंप्लीट हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है, क्योंकि भाई मतलब 50 बार मर चुका हूँ ये सेकंड लेवल पार करने से पहले। अब ये थर्ड लेवल आ गया। ओके, इस पता ही था मुझे ऐसा ही कुछ होगा, यहाँ पर ये गायब होता रहता है क्या? अबे हटना, मैं जाऊँ कैसे? ये हटेगा नहीं तो डायरेक्टली जंप करना पड़ेगा क्या? भाई साहब उतनी देर, मतलब उतनी दूर जंप कैसे करूँगा मैं, या कोई मतलब यहाँ पर कुछ लॉजिक यूज़ करना है क्या? डब्बा वगैरह कुछ अटक गया, ये पता ही था। अबे लेकिन ये लेवल पार कैसे करना है, मुझे तो मर गया लेकिन फिर भी हाँ, इसमें मतलब ये छुपा के रखा है सालों ने, इसलिए मैं सोच रहा था उतनी देर तो ये जंप नहीं करेगा। इस गेम में कुछ भी छुपा हो सकता है भाई। यहाँ पर आगे है विल फॉल डाउन टू, मतलब ये नीचे गिर सकता है ऐसा बोल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये नीचे नहीं गिरेगा, कुछ भी लॉजिक हो सकता है भाई। मैं जंप करूँ तो, और हाँ मैं सही था, ये नीचे नहीं गिरा भाई, फिर भी मुझे डर लग रहा है कुछ गिर ना जाए। ये क्या सोच कर गेम बनाए भाई, मतलब आधी पट्टी गिरती है आधी रुकती है, क्या है ये? अब ये नहीं गिरती, इस बार स्टार्टिंग की पट्टी गिरा दी, क्या है भाई, मतलब मैं समझू कैसे कि कौन सी गिरने वाली है? फिर से उसी जगह पर आ गया, इस बार बच गया। ओके ठीक है, अब नेक्स्ट। भाई मैं बोलने वाला था कि नेक्स्ट कुछ गलत ना हो जाए, और वहां पर वो हो गया, क्या है भाई। अभी इसका लपड़ा, ये पहले कभी गिरता है नहीं गिरता, इस बार बच गया। ओके, अब ये नीचे से जाऊँ या ऊपर से जाऊँ, क्योंकि ये हो सकता है कंट्रोल भाई। अब मैं ऊपर से ही जाऊँगा, ये तो पता है। अबे
भाई कुछ भी हो रहा है इस गेम में, मतलब कुछ पता नहीं चल रहा मैं खेल रहा हूँ या ये गेम खुद खेल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं। अभी मैं फिर से आ गया, अभी यहाँ पर ऊपर जाना है, लेकिन ये मतलब ऊपर वाला बक्स साला मतलब अभी नीचे आ गया अब। भाई अब मुझे लग रहा है कि मैंने क्या सोच के ये सोचा था कि ये गेम सिंपल होगा अपने फ्री फायर से। पिछले एक घंटे से मैं कंटिन्यूस खेल रहा हूँ लेकिन 3 लेवल पार नहीं हो रहा इस गेम का। भाई अभी मैं ये लास्ट लेवल शायद खेलूँगा अगर पूरा हो तो। इसी तरह से चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि ये लेवल भी पार होगा। चलो यहाँ तक तो आ गया, यहाँ तक का पता है। इस बार कैसे भी करके मुझे पार करना पड़ेगा ये साला नोखिला चीज। चेक पॉइंट ले ले भाई, ऐसे मत जा, बड़ी मुश्किल से तो यहाँ पर आए। और ये जीव जंतु यहाँ पर हमें मिल ही गया, मारियो की खास बात। हम पुराने टाइम में मारियो खेलते थे तो यहाँ पर ये कीटाणु होते थे, लेकिन इस गेम के लॉजिक के हिसाब से वो कुछ भी कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि वो नॉर्मल नहीं होगा, गेम ही नॉर्मल नहीं है तो क्या। देखा, मुझे पता ही था हम इन्हें जंप करके भी नहीं मार सकते, फिर कैसे मारना है भाई, मारना है भी या नहीं। ऊपर से ये ज़मीन खिसकने वाली आफत अलग परेशान किए जा रही है भाई। यहाँ पर मैं जंप करूँ तो वहाँ पर खाई में गिर जाऊँगा, अगर इन्हें टकराया तो वैसे भी मर जाऊँगा। अब भाई आगे 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 ये मैं सोच ही रहा था कि ऊपर से जाऊँ या नीचे से जाऊँ और वो हो गया। फुल कंसंट्रेशन है, मुझे हार नहीं माननी चाहिए यहाँ पर इनसे। मतलब तो डर गए तो गया काम से भाई। डायरेक्ट जंप, फिर से ये बक्सा के ऊपर से पास में मंजिल है भाई। यहाँ पर कुछ मैं गड़बड़ ना कर दूँ बस। जंप, ये गिरेगा तो नहीं, पहुंच गया भाई। फाइनली 3रा लेवल भी इस गेम का मैंने कंप्लीट कर लिया और बस यही तक मैं खेलने वाला हूँ क्योंकि 2 घंटे से ये गेम खेल रहा हूँ, मेरा दिमाग अभी खराब है। तो मैं आपको भी कुछ फटाफट चीजें बता देता हूँ। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था और इस वीडियो का जो चैलेंज था, जितनी बार मैं जीतूंगा उतने रिडीम कोड मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में दूंगा, तो वो चीज मैं पक्का करने वाला हूँ। और इसमें पार्टिसिपेट करना भी बहुत ज्यादा सिंपल है, बस आपको इस वीडियो के नीचे कोई भी अपना एक प्यारा सा कमेंट कर देना है और इस वीडियो को लाइक करना है। अगर आप चैनल पर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बस हो गया आपका काम। मैं आपके कमेंट्स का एक दिन वेट करूंगा और कल ठीक शाम 6 बजे रैंडम कमेंट पिकर की मदद से रिडीम कोड के विनर्स डिक्लेयर करूंगा। वैसे इसका मैं वीडियो क्लिप मेरे इंस्टा स्टोरी में भी लगा लूंगा, तो अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लो, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस तरह की चैलेंज के साथ खेली हुई गेम प्ले वीडियोस आपको कैसी लगती है ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपका आंसर है हाँ अच्छी लगती है तो फ्री फायर के अलावा और कौन सा गेम है जो हम खेल सकते हैं। अब ये कौन लोग है जो कमेंट सेक्शन में ये बोल रहे हैं, शुभ भैया तुम ये मारियो वाला ही गेम फिर से खेलो बट थोड़ा सा रूल चेंज कर लो। तुम जितनी बार जीतते हो उतने बार रिडीम कोड देते हो ना, अगली बार जितनी बार हारोगे उतने रिडीम कोड देना। क्या